नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम इसमें बात करते हैं इस लेक्चर में महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। गरीबों के लिए कॉरपोरेट मदद, देश में भूखे और कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु CSR व्यय का योगदान बढ़े तो बेहतर होगा। ये एडिटोरियल लिखा है, इसके संपादक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। हाल ही दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा है कि भारतीय कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु गरीबों तक पहुंच बढ़ानी चाहिए, ताकि उन्हें भूख और कुपोषण जैसी पीड़ाओं से राहत पहुँचाई जा सके। गौरतलब है कि भुखमरी और कुपोषण के उन्मूलन हेतु कोई व्यय किया जाना CSR के निर्धारित लक्ष्यों में शामिल है। सीतारमण ने यह भी कहा है कि देश CSR के तहत किया जाने वाला खर्च तेजी से बढ़ना सामाजिक कल्याण के मद्देनज़र एक सुकून भरा संकेत है। विगत वर्ष में CSR के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने की इस अपील पर कॉरपोरेट जगत को निश्चित ही गौर करना चाहिए। देश में कई इलाकों में अब भी भूख और कुपोषण की गंभीर समस्या है। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक स्वास्थ्य कुपोषण और भूख से संबंधित रिपोर्ट भी इसकी ताकीद करती है। ऐसे में इन क्षेत्रों की ओर CSR व्यय का प्रवाह बढ़ाकर बड़ी संख्या में लोगों को कुपोषण और भूख जैसी पीड़ाओं से राहत दी जा सके। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर को घोषित वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 195 देशों में भारत को 57वें स्थान पर रखा गया है। इसी तरह 16 अक्टूबर को यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन में भी कहा गया है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 69% बच्चों की मौतों का कारण कुपोषण है। यूनिसेफ का यह भी आकलन है कि महज 42% बच्चों को ही समय पर खाना मिलता है। इसी तरह भारत में भूख की समस्या से संबंधित रिपोर्ट वैश्विक भूख सूचकांक के रूप में 15 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुई है। वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2019 में 117 देशों की सूची में भारत 102वें स्थान पर पाया गया है। रिपोर्ट में भारत की निम्न रैंकिंग का एक बड़ा कारण यह बताया गया कि यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ऊंचाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही भारत के 6 से 23 महीने तक के सभी बच्चों में से मात्र 9.6% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार आहार मिल पाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी कहना है कि भारत में भूख से पीड़ित लोगों तथा कुपोषित बच्चों की बढ़ती तादाद चिंताजनक है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में यह समस्या लंबे समय से चिंताएं बढ़ाती दिख रही है। जन्म के बाद बच्चों को जिन पोषक तत्वों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है वे बच्चों को मिल नहीं पाते। स्थिति यह है कि ना तो बच्चों का ढंग से टीकाकरण हो पाता है और ना ही उनकी बीमारियों का समुचित इलाज। देश में विकास के साथ साथ आर्थिक असमानता का परिदृश्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी जो भूख और कुपोषण की चुनौती सामने खड़ी है उससे निपटने के लिए तत्कालीन रूप से CSR व्यय राहतकारी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में इस समय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के परिपालन के तहत स्वास्थ्य कुपोषण और भूख की चिंताएं कम करने के लिए CRR व्यय बढ़ाने की प्राथमिकता देना जरूरी है
उल्लेखनीय है कि 500 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा नेटवर्थ अथवा 5 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा मुनाफे वाली कंपनियों को पिछले 3 साल के अपने औसत मुनाफे का 2% हिस्सा हर साल CSR के तहत उन निर्धारित गतिविधियों में खर्च करना होता है जो समाज के पिछड़े या वंचित लोगों के कल्याण के लिए ज़रूरी हो। इससे भूख, गरीबी और कुपोषण पर नियंत्रण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद प्रोत्साहन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तंग बस्तियों के विकास आदि पर खर्च करना होता है। लेकिन विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट में पाया गया है कि बड़ी संख्या में कंपनियां CSR के उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं करती हैं। वे CSR के नाम पर मनमाने तरीके से खर्च कर रही हैं। हालांकि विगत अगस्त में सरकार ने जिस कंपनी संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया है उसमें उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने के भी प्रावधान शामिल हैं जो CSR के लिए अनिवार्य 2% का खर्च नहीं करती। नए संशोधन से कंपनियों के CSR गतिविधियों में जवाबदेही तय करने में आसानी होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के नए CSR मानकों के मुताबिक यदि कोई कंपनी अपने मुनाफे का निर्धारित हिस्सा निर्धारित सामाजिक गतिविधियों पर खर्च नहीं कर पाए तो जो धनराशि खर्च नहीं हो सकती उसे कंपनी से समृद्ध बैंक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा किया जाना चाहिए होगा। कंपनियों को CSR का बगैर खर्च किया हुआ धन स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी मदों में डालना होगा। ऐसे में अभी तक जो कंपनियां CSR को रस्म अदायगी मानकर उसके नाम पर कुछ भी कर देती थी उसके लिए मुश्किल हो सकती है। CSR के मोर्चे पर सरकार सख्ती करने जा रही है। अब कंपनियां केवल यह करके नहीं बच पाएंगी कि उन्होंने CSR पर पर्याप्त रकम खर्च की है, अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि खर्च किस काम में किया गया है, उस खर्च का नतीजा क्या निकला है और समाज पर उसका कोई सकारात्मक असर पड़ा है या नहीं। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या यह खर्च कंपनी से जुड़े किसी संगठन पर हो रहा है। नए नियमों के तहत निचले स्तर पर शामिल कंपनियों के लिए CSR में हुए न्यूनतम खर्च के खुलासे की बाध्यता होगी। खर्च की रकम बढ़ने के साथ साथ अधिक से अधिक जानकारी देनी होगी। जिस तरह से कॉरपोरेट जगत निरंतर नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है उसी के मुताबिक उसके सामाजिक उत्तरदायित्व में भी इजाफा होना लाजमी है। देश में कॉरपोरेट जगत के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई ज़रूरतें उभर के सामने आई हैं। ज्ञातव्य है कि CSR किसी तरह का दान नहीं है, दरअसल यह सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ कारोबार करने की व्यवस्था है। कॉरपोरेट जगत की यह जिम्मेदारी है कि वह स्थानीय समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों के बेहतर जीवन और रहन सहन के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए, खासतौर से देश में कुपोषण भूख की चिंताओं को कम करने के लिए CSR के दायरे का विस्तार प्रमुख सामाजिक ज़रूरत है। इसी तरह हम श्रम कौशल से जुड़ी योजनाओं पर भी CSR व्यय बढ़ाना होगा। श्रम कौशल के आधार पर देश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देकर उन्हें कुपोषण और भूख से बचाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि समाज के कमजोर वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, देश में मौजूदा कुपोषण भूख की समस्या से निपटने में कॉरपोरेट जगत अपना योगदान बढ़ाएगा और CSR व्यय के माध्यम से अधिक सार्थक भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो चलिए, ये था आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल।